जी, आपने जी 4 दिन बड़े अच्छे से मुझे नजर आता रहा है। 70% अटेंडेंस रही है। आज का जो मेरा मॉड्यूल है, ये मैं पहले बता दूं कि हो सकता है को 5, 7, 10 मिनट अप जा सकता है, क्योंकि ये 2 दिन का असल में काम है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। लेकिन हमने इसमें से प्रैक्टिस को रिमूव करके, मैंने अपने स्टूडियो की सारी चीजें आपको जो है वो दूंगा। अच्छा, ये आपको पता है, ये बैकग्राउंड बड़ा इजीली रिमूव हो सकता है, ये जो पीछे लगा हुआ ग्रीन, तो मैं इसको रिमूव नहीं करता, सिर्फ दिखाने के लिए। ये बड़ी सादा सी चीज होती है, आप सारे लोगों के दिमाग में ये चीज डालने के लिए कि इसको लगा लो, ठीक है। हालांकि जैसे ही मैं इधर बैठता हूँ, पहला ऑप्शन यही आता है कि आप बैकग्राउंड रिमूव कर लें, क्योंकि ये तो बड़ा ईजी है। और मैं, ये बहुत सादा सी चीजें हैं, आपको आज की क्लास के एंड पे पिक्चर्स बनाई हुई हैं मैंने, फुल व्यू की भी, साइड व्यूज सारे दिए हुए हैं, सारी लाइट्स जहां जहां पे मैंने लगाई हुई हैं। आपको ये बता दूं कि ये बहुत सादा सा सेटअप है, लेकिन इतना प्रोफेशनल जो है इसका आउटपुट है। आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी कोई महंगी लाइट्स है, तो मैक्सिमम को 2,000 रुपया खर्चा लाइट्स का, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन एंड पे दिखाऊंगा। और वो जिस तरह होता है कि भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आज 2 चीजें बतानी है, ठीक है। यहां तक अगर किसी बंदे का को पिछले सेशन पे या किसी भी और चीज पे कोई क्वेश्चन आया, तो मैं 1 मिनट देता हूँ, 8:15 पे हम क्वालिटी मॉड्यूल स्टार्ट कर लेंगे। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स मेरे सामने ओपन है, आप कर सकते हैं, उसके बाद हम अपना प्रॉपर मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन टीचिंग क्वालिटी, आप सारे लोग माशाल्लाह से टीचर हैं, कोई टीच कर रहे होंगे गवर्नमेंट लेवल पे, कोई प्राइवेट लेवल पे, कोई सिंगल स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा, कोई क्लास को पढ़ा रहा होगा, कोई ऑनलाइन, कोई फिजिकल, जाहिर। तो आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग क्वालिटी, जो मैंने मैसेज किया था आपके ग्रुप में, मैंने कहा था ये बना के रखें, अल्लाह करे आपने वो मैसेज पढ़ा हो, मैंने कहा था वो बना के रखें, वो 4-5 पॉइंट्स जो आपने ऑनलाइन टीचिंग क्वालिटी के लिए ज़रूरी हैं, वो जो आपने बनाए हुए हैं, ज़रा उनको लिख दीजिए। आपके पास 4 मिनट हैं, फौरी तौर पे सारे लोग, अब मेरे सामने को 131-132 लोग हैं, तो सारे ही लोग लिखेंगे। मुझे 129 आंसर नहीं चाहिए, मुकम्मल आंसर चाहिए। तो ज़रा लिखिए कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग क्वालिटी के लिए। क्वेश्चन ये है कि लैपटॉप से वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है। लैपटॉप के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करें। जिस तरह हम असाइनमेंट बना रहे हैं, टेस्ट की प्रिपरेशन भी ऐसे ही करनी है। देखें, हम करवा रहे हैं आपको प्रैक्टिकल पेपर, टोटल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे होगा। आप जो यहाँ से सीखेंगे, उसी चीज़ का आपका MCQs टाइप टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल आपने जो सीखा, प्रैक्टिकली उसको आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसमें से इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना। फॉर एग्जांपल आपने टीम का लिंक क्रिएट करना है, तो पहला स्टेप क्या होगा? अकाउंट बनाना पहला स्टेप है, या साइन इन करना पहला स्टेप है? अब आपको पता होना चाहिए पहले अकाउंट बनता है या पहले साइन इन होता है। तो ये प्रैक्टिकल सी चीज़ है। या फिर अगर आपने टीम्स के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, तो उसका ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है? मेरे सामने कुछ आंसर्स आ रहे हैं, ये आंसर आप सब लोग आपस में इसको रीड करें। अभी हमारे पास 3 मिनट मौजूद हैं, सारे लोग ये जो जवाब आ रहे हैं कि नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट, लाइटिंग, कैमरा, माइक्रोफोन, ठीक है, उसके बाद टीचर, उसका टीचिंग मेथड, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, वाइट बोर्ड का यूज़, इंटरनेट स्ट्रॉन्ग हो, सीटिंग प्लान अच्छा हो, ठीक है। सारे लोग चैट बॉक्स में रहिए और सारा कुछ जो कुछ लिखा जा रहा है उसको पढ़िए ज़रा, उसके बाद हम बात स्टार्ट करेंगे। शाह साहब ने कहा कैमरा, माइक, लाइट, ठीक है, इतना कि मैं पढ़ सका, ऊपर मूव कर गया। ग्रिप ऑन कंटेंट, वॉइस क्लियर होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ARY की लाइटिंग की तरह है, कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड इंटरनेट, स्क्रीन रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, अच्छा, गुड इंटरनेट कनेक्शन हो, ट्रेन ट्यूटर्स हो, टीचर्स, लेसन प्लानिंग हो, वे ऑफ डिलीवरी अच्छा हो, टाइम मैनेजमेंट हो, क्लियर वॉइस हो, शाबाश शाबाश।
दो मिनट और हैं जी, उसके बाद फिर हम अपनी असल कार्रवाई का आगाज करेंगे। फिलहाल जो है वो आपका टाइम है, मेरा टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये काम मैंने आपको दिया था। डे टाइम मैंने एक मैसेज किया था कि भाई जरा तैयारी करके आना है। प्लान बिफोर लेक्चर, डिजिटल पेडागोजी, मिशाल इफ्तार ने कहा डिजिटल पेडागोजी, ये इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं, डिजिटल पेडागोजी। पेडागोजी तो एक साइंस। अच्छा, मेरी आवाज़ अगर कोई कोर ऑर्गेनाइज़र या कोई हमारे रिस्पेक्टेड ट्रेनर्स या स्टाफ में से सुन रहा है तो एक बहुत सख्त सा मैसेज कर दें, क्योंकि मैंने तो फिर यहाँ से एंट्री ऑफ कर देनी है, फिर अपने घरों घर रहेंगे सारे, फिर तो कोई नहीं आएगा। बता दें जी क्लास में, अगर जी सर मैं बता देती हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह के हवाले कर देंगे। जी सर, ऑनलाइन टूल्स मस्ट बी एक्सीलेंट, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन के। चलें जी, अल्लाह ताला खैर फरमाए, 20 मिनट हो गए हैं। जिस बंदे ने रिप्लाई किया है अल्लाह ताला उसको बहुत कामयाबियों से नवाजे, और जिसने नहीं किया अल्लाह ताला उसके हाथों को सलामत रखे, लिखने की तौफीक अता फरमाए। चलें जी, ऑनलाइन टीचिंग क्वालिटी, अब मैंने बात करनी है और आपने लिखते जाना है कि हाथ सलामत रहें, और अल्लाह करे सलामत ही रहेंगे। देखे ना, जब मैंने दुआ दी है कि अल्लाह ताला कर अल्लाह करे उनके हाथ सलामत रहें, तो सलामत रहेंगे, आप हलाया जुलाया करें। चलें ठीक है जी, थैंक यू जिन लोगों ने लिखा है, जिन लोगों ने पढ़ा है, पढ़ने और लिखने का सुनने का स्वाब अल्लाह ताला उनकी अरवाह को पहुँचाए। तो हम बात का आगाज़ करते हैं ऑनलाइन टीचिंग क्वालिटी। तो क्या आपके माइंड में आता है कि जब हम टीचिंग क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी इज व्हाट? आप किस चीज़ को क्वालिटी कहते हैं? कोई बंदा कहता है कि अच्छे नंबर आए, दिस इज़ द क्वालिटी। कोई बंदा कहता है कि जी हाँ देखें ना, अबिलिटी टू एंगेज, और क्या होती, शाबाश शाबाश, ज़रा बोल दें सारा कुछ आपको, माशाल्लाह सब कुछ आता है। ऐसे ही अगर 16, 17, 18 साल में यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेजेस आपको कुछ नहीं सिखा सके तो मैं गुनाहगार क्या सिखा सकता हूँ? आपके अंदर सारा कुछ मौजूद है, हमने बस चीज़ों को डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं, सोची हुई हैं, समझी हुई हैं, और जब आप स्टूडेंट थे तो आपने टीचर की ये गलतियाँ निकाली हुई हैं जो आज हमने जिन गलतियों पर बात करनी है। हम सारे ही एक एक वीडियो देखते हैं तो हम 100 गलतियाँ निकाल लेते हैं। आज वही गलतियाँ हमने अपनी तरफ से गुजारनी है कि भाई ये गलतियाँ हमने निकल, ठीक हो गया मैं ठीक है। उन्होंने कहा क्वालिटी जो है वो ग्रिप को कहते हैं, मैनेजमेंट को कहते हैं, फलां फलां फलां। ओके, हमने दो चीज़ें करनी हैं, एक है मॉड्यूल नंबर 1, यानी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा लैपटॉप, मेरा कंटेंट, मेरा मोबाइल, मेरा माइक, मेरा कैमरा, मेरी लाइटिंग, ये बैकग्राउंड कैसा हो, दिस इज मॉड्यूल नंबर 1, क्वालिटी लेवल 1। हम दिखना कैसा चाह रहे हैं? आपको पता है कि ये शादी ब्याह में जब हम जाते हैं तो हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें जो है वो सेट करके जाते हैं, या फिर जहां हम जा रहे होते हैं प्रोग्राम पे उन्होंने हर चीज़ सेट की हुई होती है, लेकिन हम गलती निकालने में एक सेकंड लगाते हैं। अच्छा, सही साहब का मैसेज आया कि ज्वाइनिंग में इश्यूज आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर तो की तरफ से अगर कोई और मौजूद है तो काइंडली ग्रुप में वो 4 सोल्यूशन जो हैं वो जरा कॉपी पेस्ट कर दें। पहला सोल्यूशन होता है कि जी आप एप्लीकेशन को क्लोज करके लिंक को दोबारा से क्लिक करें और फिर एप्लीकेशन ओपन कर लें। दूसरा होता है आप एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लें। तीसरा होता है मोबाइल को रिस्टार्ट कर लें। नंबर 4 होता है कि एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करें, दोबारा से इंस्टॉल करने को 5-7 मिनट का लंबा प्रोसेस है। तो सर असल में ये लोग ना दूसरा कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करते, इसलिए चैट के इश्यूज हैं। ये जितने गेस्ट होते हैं ना, ये बस टीम के रैमो करम पे ही है, उसको ज्वाइन कर ले या ना कर ले। मैंने माई सेल्फ मैंने वो सारी रिकॉर्डिंग जो है वो बनाई हुई है, हर बंदे को वो पहुंची हुई है कि 6 या 7 मिनट की है, अगर एक बार दिमाग लगा के उसको सुन लिया जाए, सादा सादा से स्टेप्स हैं, उनसे इजीली क्लास ज्वाइन हो सकती है, कोई मसला नहीं। अब अभी भी मेरे सामने गेस्ट मौजूद हैं, गेस्ट मीन उन्होंने अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो 5-7 मिनट का ये प्रोसेस है, इसको कर लेना चाहिए। दूसरा लेवल क्या है? पहला लेवल तो है मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कैसा दिखना चाह रहा हूँ। दूसरा है ऑब्जर्वर,
लर्नर दूसरी साइड पे बैठा हुआ है, आप इधर से लाइव जा रहे हैं, आपकी वीडियो यूट्यूब पे चली गई है, लाइव जूम पे चले गए हैं, टीम पे चले गए, स्टूडेंट आपको कैसे देख रहा है, आपसे लर्निंग करने वाला जो लर्नर है वो आपको कैसे देख रहा है, वो आपकी कौन कौन सी गलतियां नोट कर रहा है, ठीक है, वो है लेवल टू। लेवल वन है हम दिखना कैसा चाह रहे हैं, कितना परफेक्ट दिखना चाह रहे हैं। लेवल टू है हम देख कैसे रहे हैं, गलतियां निकालने वाला हमको कैसे देख रहा है, ये दूसरा लेवल है। हमने इन दोनों लेवल्स को देखना है और उसके बाद हमने हाउ टू स्टार्ट योर क्लास, आप जब अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी टेक्निक्स, टिप्स कौन कौन से यूज करते हैं, हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद एडमिशन स्ट्रेटजी है, चूंकि आप सारे लोग हब का हिस्सा है और हम हब के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑलरेडी एडमिशन स्ट्रेटजी आपको बताई जा चुकी है। स्टूडियो सेटअप जो है वो मैंने अपनी ही इस पूरे सेटअप की कुछ पिक्चर्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो जो बाकायदा आगाज करते हैं, क्वालिटी लेवल वन, ऑनलाइन टीचिंग एसेंशियल्स। जब हम टीचिंग क्वालिटी की बात करते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ऑनलाइन टीचिंग में कुछ चीज़ें अजाफी हैं। हम फिजिकल क्लास में जाते हैं, कुछ टीचर्स की जो है वो बड़ी ग्रिप होती है सब्जेक्ट के ऊपर, कुछ की ग्रिप बच्चों के बिहेवियर के ऊपर होती है, कुछ की ग्रिप वैसे सोशली होती है, हर बंदे की कोई ना कोई ग्रिप तो है ना। तो जिस बंदे की कंटेंट के ऊपर ग्रिप है वो अपने हिसाब से डील करता है, जिस बंदे की बच्चों को साइकोलॉजिकल ट्रीट करने की अच्छी ग्रिप है वो उस तरह करता है। अब ये सारी ग्रिप साइड पर रखनी, अब ग्रिप आनी है कि वहां पे जहां पे आप मौजूद ही नहीं है वहां पे लोग आपको क्यों सुने। एक जगह पे आप 6 फुट के खड़े हैं और बच्चे आपसे डर रहे हैं तो वो बच्चे आपको सुनेंगे। बच्चों के वालदेन को आप जानते हैं, आप उनको शिकायत लगा सकते हैं, बच्चे आपका लेक्चर सुनेंगे। बच्चों ने आपको फीस दी हुई है, आपको से नाम स्टक ऑफ होने का खतरा, बहुत सारे खतरात होते हैं फिजिकल क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ये सब कुछ जीरो है। आपको कोई क्यों सुनेगा इस पे बात करेंगे। तो जी गोल्स आपके पहले सेट होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास नॉर्मली रिकॉर्ड हो रही होती, आप एक बोंगी मार लेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगी, आप प्लान करके नहीं आएंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। गोल्स पहले सेट करें, फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करें, प्लानिंग के बाद आप उन चीजों को मुनज्जम करें, एडमिनिस्टर करें। जिस तरह ये मैं अभी आपके आने से पहले माइक शाइक सेट कर रहा था, लैपटॉप को देख रहा था, अपने इंटरनेट कनेक्शन को देख रहा था, ये लाइटिंग सारी मैं सेट कर रहा था, ये जो सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि एक हफ्ता पहले मेरी क्लास हुई थी और उसके बाद आज क्लास हो रही है, तो इसके दरमियान मेरी कोई क्लास नहीं थी, तो ये चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर हुई हुई होती, तो इनको मैं सेट कर रहा था। तो किस चीज को मैंने कैसे मैनेज किया, ये एडमिनिस्ट्रेशन थी। उसके बाद मीडिया और मटेरियल, आपके आने से पहले मैंने कुछ इस रूम की पिक्चर्स लगा के तो इसी स्लाइड के अंदर एंड पे एक पूरा मॉड्यूल तैयार किया अपने स्टूडियो के हवाले से। तो ये मीडिया और मटेरियल भी मैंने सेट किया, आपने भी करना है। टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आपको आना चाहिए, टेक्नोलॉजी का बहुत सारे लोगों को यूज़ आता है, लेकिन उसका जो टाइमली रिस्पॉन्ड करना होता है कि जी माइक ख़राब हो गया अब क्या करना है। अब ये मेरे पास एक माइक है, ये दूसरा माइक है, ये एक हैंड फ्री है इसके साथ भी माइक है, ये एक हैंड फ्री इसके साथ भी माइक है। अब ये सारी चीज़ें मैंने क्यों रखी हुई हैं, काम तो एक भी दे रही है ना। ये लैपटॉप है और मेरी पिक्चर जो है वो आप कैमरे से देख रहे हैं और वो कैमरा पीछे है, वो मोबाइल के अंदर है। लैपटॉप से मैं, क्योंकि लैपटॉप से अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, दिस इज टेक्नोलॉजी अरेंजमेंट मैनेजमेंट। अच्छा, उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या, ये चलता चलता माइक खराब हो जाता, एग्जैक्टली इसी टाइप का माइक मेरे पास और है, चलती चलती हैंड्स फ्री खराब हो जाती है, ये इसी टाइप की एग्जैक्टली सेम मेरे पास और है कॉपी, मुझे क्वालिटी का इशू ही ना आए, ठीक है, ये क्राइसिस मैनेजमेंट है। इंटरनेट मोबाइल का मेरा और चल रहा है, लैपटॉप का इंटरनेट और है, एक का बंद हो जाएगा, बहुत ही रेयर होगा कि दोनों एट ए टाइम बंद हो जाए, कनेक्शन डिफरेंट है दोनों, ठीक। तो ये है जी एसेंशियल्स, जब भी आपने ऑनलाइन टीच करने का सोचना है तो ये चीजें अपने ऊपर फर्ज कर लें। जुबानी कलामी ऑनलाइन लेक्चर नहीं हो सकता, जुबानी कलामी आप गली मोहल्ले के स्कूल के बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, यूट्यूब पे बैठे बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनसे आप कमेंट में फिर बड़ा कुछ सुनेंगे। प्लानिंग नहीं होगी तो कोई ना कोई चीज बिखर जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी तो भी आप पकड़े जाएंगे, मीडिया आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो भी आप पकड़े जाएंगे। बातें इतनी इतनी बड़ी और पीछे मटेरियल कुछ भी ना हो, बताने के लिए आपके पास हो ही कुछ ना,
तो क्राइसिस मैनेजमेंट भी जा रहा है, पाकिस्तान में हम रहते हैं, किसी भी मुल्क में हो तो ये तो क्राइसिस तो हर जगह पे आते रहते हैं। तो हर चीज जो है हमने पहले अपने पास दिमाग में, मटेरियल में, एडमिनिस्ट्रेशन में, टेक्नोलॉजी के अंदर उतारनी है, फिर हमने ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाना। अब हम क्वालिटी लेवल वन की बात कर रहे हैं। गोल्स कैसे हैं, देखिए ना, ये 5-7 चीजें हमने कलेक्ट की हैं कि लेवल वन की बात करते हैं तो गोल्स क्या हो सकते हैं। आउटकम सेट करें जी, आपने अगर, अब मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस है तो मैं कहूंगी जी मैंने नेशन और स्टेट में फर्क बताना है। अब नेशन और स्टेट में फर्क बताने के लिए मैं 5 मिनट की वीडियो तो बना रहा हूँ, और पूरी वीडियो के अंदर मैंने ये बताया ही नहीं कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ। ऑडियंस का बिहेवियर और उनकी जो नीड है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए चाइना की लोकल गवर्नमेंट या चाइना की गली मोहल्ले के मिसाल के ऊपर आप वीडियो वीलॉग बनाना शुरू कर देंगे, किसने देखना है? पंजाबी में या उर्दू में बनाएंगे तो चाइना वालों को उर्दू या पंजाबी आती है? नहीं, उनकी नीड ही और है। रीजनल फैक्टर आपने देखना है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आप आइडियोलॉजी के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दें, क्यों? आप अपने सिलेबस के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दें, क्यों? आपने रीजनल फैक्टर भी देखना है। गोल सेट करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना। लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी, अब थोड़ी बहुत चंगी माड़ी इंग्लिश मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन हो सकता है हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हों जो इतने वर्बस इंग्लिश के अंदर ना हो तो वो ना समझ सके। प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। आपको पता है बाज़ औक़ात आप बात बता रहे होते हैं, बच्चा पीछे गूगल में सर्च भी कर रहा होता है। आपकी इज्जत लोगों के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। वर्ग पैसे कहते थे आपकी अपनी इज्जत अपने हाथ में। जब आप ऑनलाइन टीचिंग में है तो आपकी इज्जत कमेंट जो करने वाला उसके हाथ में है। अगर आप उसको अच्छा दे गए तो फिर आप कमेंट बॉक्स ओपन करेंगे, अगर नहीं आपने अच्छा दिया तो फिर आप कहेंगे अल्लाह करे बोले ही कोई ना है। क्वालिटी कंटेंट चेक, आपने सारी चीज़ों को देखना है डिलीवर करने से पहले, फिर आपने क्वालिटी देखनी है अपने मटेरियल की कि क्या ये इस काबिल है कि हम लोगों को चीज़ समझा पाएं। उसके बाद है कि फीडबैक मेथड, फीडबैक मेथड बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए आपका, कि आप चीज़ पूछना क्या चाह रहे हैं, क्या आपने वो चीज़ पढ़ाई भी है जो आप पूछ रहे हैं, आप टेंसेस पढ़ा रहे हैं बीच में आप जो ग्रामर पूछना शुरू कर दें। आप फीडबैक का मेथड ओरिएंटेड रखें, फोकस्ड रखें। गोल्स के बाद प्लानिंग है, डिवाइस चेक कर लें, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी चेक कर लें, मटेरियल काउंटर देखें, जो चीज़ें आपने देनी है वो सारी मौजूद हैं। स्टूडेंट को अलर्ट भेजें, अब जिस तरह मैंने आपको डराया भी था, धमकाया भी था, और इसमें कुछ हकीकत भी है, ठीक है। और टाइम टेबल आप देखें, ये नहीं कि मंगल वाले दिन क्लास है तो आप बुध वाले दिन जो है वो ले कर फिर रहे हैं अपनी वो डिवाइस, एक दिन पहले स्टूडेंट क्लास में आके वेट करके जा चुके हैं, ठीक है। टाइम टेबल आपने हमेशा देखना है। मीडिया या मटेरियल कैसा होना चाहिए, स्लाइड या फाइल रखनी है आपने ऑनलाइन के अंदर, ये नहीं कि तस्वीरें खींच खींच के आप बुक्स की भेज रहे हैं, आप कोई सॉफ्ट फाइल बनाने की कोशिश करें। वाइट बोर्ड डिजिटल यूज़ हो सकता है, उसको करने की कोशिश, पेन टैब, ये मेरे पास है, ये इस तरह का ये मैंने रखा हुआ है। टच पैड भी यूज़ हो सकता है। वर्क बुक, बुक जो है डिजिटल, उसके बाद होम टास्क दिए जा सकते हैं असेसमेंट के लिए। ये सारा मटेरियल है आपका, ये नहीं कि भाई जाते जाते वो बाय बाय कहना था तो अच्छा जाओ मुझे याद आ गया कि कल आपने काम क्या, होमवर्क आपका क्या है, ऐसे नहीं। आपने हर चीज़ प्लानिंग का हिस्सा पहले रखनी। अब सारा कुछ हो गया, अब आपने क्लास लेनी है, लाइव क्लास की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। लाइव क्लास स्टार्ट होने से पहले, लाइव क्लास के ड्यूरिंग और बाद में, क्लास स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले, क्लास के दौरान और क्लास के बाद, इन सारी चीज़ों को आप कैसे देख सकते हैं। डिवाइस काउंटर चेक दोबारा से देखेंगे, अच्छा मैंने पैकेज लगाया तो था, क्या एक्सपायर तो नहीं हो गया, वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं या सिम का कनेक्ट हुआ पड़ा है। काउंटर चेक, स्क्रीन या स्लाइड को चेक करें दूसरे मोबाइल पर। अब मेरे सामने ये स्क्रीन मैं देख रहा हूँ और इसी तरह मेरे सामने एक और मोबाइल है, उसमें भी ये सारा कुछ वहां पे शो हो रहा है। अटेंडीज के माइक को देखें, ये नहीं कि आप अपनी बात कर रहे हैं, लोग आपस में अपनी बात कर रहे हैं। अटेंडेंस को देखना है, क्वेश्चन आंसर को आपने मैनेज करना है, फीडबैक और होमवर्क। लाइव क्लास की एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे एंड होती है। अब हम देखते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको पता है रिकॉर्डेड लेक्चर मुश्किल होते हैं। लाइव क्लास में तो आप फ्लो में बोल रहे होते हैं, कोई ना कोई ऊंच नीच हो भी गई तो अगला बंदा दरगुजर करता है कि भी अच्छा लाइव क्लास है, खैर है, अगर इतना अच्छा नहीं भी मैनेज हुआ लाइव क्लास में, नहीं भी होता कोई मसला नहीं, खैर है। और अगर
रिकॉर्डेड में हुआ तो रिकॉर्डेड में तो आपके पास एडिट का ऑप्शन था, आपने क्यों नहीं किया? आपके पास रीटेक का ऑप्शन था, क्यों नहीं किया? लिहाजा रिकॉर्डिंग की जो क्लास होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें आपका कसूर ज्यादा होता है अगर गलती हो जाए। लाइव में कुछ चीजें फ्लो में एरर्स आ जाती हैं, रिकॉर्डेड में आपके पास मार्जिन नहीं होता। फिक्स करें कैमरा, ये नहीं कि जिधर को आप हिल रहे हैं तो आपका कैमरा भी हिल रहा है। फोकस रखें अपना, कैमरे का आपके ऊपर फोकस होना चाहिए। माइक फिक्स करें, ये नहीं कि अब इधर को होते हैं तो माइक साहब इधर को जा रहे हैं, इधर को होते हैं तो माइक साहब इधर आपके साथ ही जा रहे हैं, कोई इसके साथ क्लिप मिल जाता है। ये कोई बहुत महंगा नहीं 500-700 वाला माइक है। स्ट्रेट एक्सपोजर होना चाहिए। अब लास्ट क्लास में ना मैं, चूंकि मेरा 5-7 मिनट का सेक्शन था, तो आज जो है वो मैंने कैमरा भी सामने है, लैपटॉप भी मेरे सामने और मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ, ठीक है? बहुत कम ऐसा होगा कि मैं लैपटॉप पे देखूंगा कुछ। अच्छा, उसके बाद लाइटिंग नॉर्मल, ये नहीं कि भी आप अपना रंग गोरा करने की तरफ चले जाएंगे, इतनी लाइटिंग हो कि भी आपकी जो है वो आंखें ही ना खुलें, आपने बात क्या करनी। आपको पता मेरे सामने सिर्फ 4 लाइटें चल रही हैं, लेकिन ये नॉर्मल लाइट्स हैं, इसलिए आपको ये सारा सेटअप तो क्लियर नजर आ रहा होगा, लेकिन मेरी आंखों को कोई प्रॉब्लम नहीं मान रहा, ठीक है? उसके बाद आपने जब बात करनी है तो सी ऑन कैमरा पॉइंट। अब कैमरा पॉइंट क्या था, आप अक्सर सेल्फी लेते हुए ना स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हो, आपकी आंखें नीचे नीचे नजर आ रही है, कैमरे का जो स्पॉट है ना आपने वहां पे देखना है, ठीक है? अच्छा, ये साथ साथ आपके रिएक्शन तो मुझे नजर आ रहे हैं, और कोई 5 मिनट बाद 2 मिनट के बाद ना कोई बंदा लिख दिया करे कि स्क्रीन भी ओके है, आवाज भी ओके है, सब कुछ ओके है, तक मुझे हौसला रहेगा। बाकी कोई मसला हो तो मेरे सामने चैट बॉक्स ओपन है। टॉक टू यू का क्या मतलब होता है, आप अपनी प्रैक्टिस भी किया करें। अगर आप, जाहिर है मेरे सामने मेरी पिक्चर आ रही है, आपकी पिक्चर नहीं आ रही, तो मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज आपने गौर से देखना है कि जहां आप हैं उस तरफ को आपका मुंह भी हो, आपका फेस उधर को। अब इधर कैमरा है, इधर ही स्क्रीन है, तो मैं इधर को हो जाऊं, ठीक है? ऐसे नहीं, अपने आप से बातें करें, अपने आप को देखें, अपने आप को देख के अच्छा महसूस करें कि देखें मैं कितना प्रोफेशनली बोल रहा हूं, है? अच्छा, उसके बाद स्टे रिलैक्स एंड हैव फन। मौत नहीं आने लगी अगर रिकॉर्डेड लेक्चर में गलती हो गई, खैर फिर कर लेंगे, हमारे पास मोबाइल है, अब वो केसर खत्म तो होने नहीं लगी, फिर रिकॉर्ड कर लेंगे, एक टाइम ही है ना, दूसरी बार बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा बन जाएगा। उसके बाद मटेरियल टू टॉक ऑन, आपके पास बात करने के लिए कोई मटेरियल भी होना चाहिए। हमने एक बार फर्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट की तो हमने एक कोई CSS के शायद टॉपर फीमेल थी, तो उनकी उधर एलोकेशन नहीं हुई, लेकिन हमारे पास ना वो बॉटनी के सब्जेक्ट में वो सिलेक्ट हो गई, तो हमने उनसे कहा कि स्लाइड वगैरह बनाए, तो उन्होंने कहा जी कि आपको रिजल्ट चाहिए या स्लाइड। मैं वैसे तो एक बार परेशान हो गया कि ये कौन सा सवाल हुआ, तो मैंने कहा जी हमें तो ऑब्वियसली रिजल्ट चाहिए, लेकिन हमने जो रूल सेट किए हुए हैं, हमने जो धक्के खाए हुए हैं, हमने उनके मुताबिक रिजल्ट लेना। तो उन्होंने कहा जी मैं ऑडियो में पढ़ाऊंगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा वो जो एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि 75% साइट से बंदा सीखता है, उन्होंने गलत कहा। तो उन्होंने कहा जी मुझे सर उनका नहीं पता, आपको मैं ऑडियो क्लास में रिजल्ट दे दूंगी। तो हमने उनको क्लास नहीं दी थी क्योंकि उनके पास मटेरियल टू टॉक ऑन नहीं था, हमारे रूल्स के खिलाफ था। किसी भी जगह पे जब आपने ऑनलाइन टीच करना तो आपके पास मटेरियल दिखाने के लिए है ही कुछ नहीं, आपके पास आप गए मैं ईमानदारी से देख के पढ़ रहा हूँ, लेकिन अगले बंदे को दिखाने के लिए अगले बंदे के सामने ही कोई चीज़ नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट है जी फील रियल। ये बहुत बड़ा कमेंट है और बहुत बड़ी एक टिप है, ये ना समझें कि ये जो कैमरा है ये आपको रिकॉर्ड कर रहा है और कैमरे में ही चीज रह जाएगी, इसके बाद इस कैमरे के सामने बंदा होगा, आप इधर हैं उस तरफ एक बंदा और होगा जो आपको देखेगा, इस तरह मोबाइल को इधर कर लेते हैं, मैं हूं, मेरी पिक्चर उस कैमरे में जा रही है, थोड़ी देर के बाद मैं प्लेबैक करता हूं तो मैं इस जगह पे बैठा हुआ अपने आप को देख रहा हूँ। आप अपनी पिक्चर को, आप अपनी वीडियो को रियल फील करें कि भाई आप एज अ पर्सन वहां पे वीडियो में जा रहे हैं। छोटी सी भी गलती आपकी पर्सनल गलती होगी, छोटी सी कोई आपसे एरर आती है तो आपके नाम से वो पब्लिश हो रही होगी, आप रियल में उस कैमरे के अंदर मौजूद हैं, आपकी आइडेंटिटी उस कैमरे के अंदर मौजूद है, छुप नहीं सकते आप वो बात करके,
लिहाजा हमेशा रियल फील करें, छुप के बात करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, बी लाइव। ये बहुत बड़ा कमेंट है, पीछे हमने रियल कहा। लाइव का मतलब होता है कि आप ये देखिए ना, बंदा हाथ हिला रहा है, अवगुण भी हाथ नहीं हिलाने होते, जहां जरूरी है वहीं हिलाने होते। अब मैं इस तरह हो जाऊंगा, मेरे सिर्फ लिप्स हिल रहे हैं, और वो भी कभी कभी लगे कि कोई वो दूसरा रोबोट ही बात कर रहा है। आप टीच कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप टीचर फील होना चाहिए। एक टीचर एक एक्टर होता है, उसने एक्ट करके दिखाना होता है, उसने बच्चों को एजुकेट करना होता है, मैसेज कन्वे करना, तो ऑडियो मैसेज भी हो जाता है, रिटन भी हो जाता है। टीचर की क्या जरूरत है, उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक मैसेज कन्वे करना होता है। यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, हमारा मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे, मॉड्यूल 2 उसके बाद करेंगे। मॉड्यूल 1 पे कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। मेहरान अली ने कहा टीचर शुड बी एक्रोबेट, ठीक है, वो पहले दौर में टीचर ऐसे ही होते थे। ओके थैंक यू, क्लियर। अगर ऑल पॉइंट्स क्लियर हैं तो फिर मेरा ख्याल हम आगे चलते हैं। अच्छा, स्लाइड के नंबर से नहीं घबराना, आखिरी 9-10 स्लाइड्स में पिक्चर ही हैं जो स्टूडियो की। काम हमारा 50% हो गया, परेशान नहीं होना। वही मैंने कहा था कि 8-10 मिनट आप जा सकते हैं तो उतने ही जाएंगे इंशाल्लाह। अब क्वालिटी लेवल 2 लर्निंग साइट। अब मेरे ऊपर जो चीज़ें अप्लाई हो रही थी, मैं कैसा दिखना चाहता हूँ या मुझे कैसे दिखना चाहिए या लुक है वो कैसी होनी चाहिए, इससे हट के अब ऑब्जर्वर वाली साइड पे हम जाने लगे। वहाँ से मैं कैसा देख रहा हूँ, पहले तो मैं अपने आप को जनाब वो सेट कर रहा था, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था। अब ये समझ लें कि मैं ये सारा जो अब हम कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये आप लोगों का कंटेंट पढ़ने लगे कि आप मेरे अंदर क्या क्या गलतियाँ निकाल सकते हैं, आपको चांस देने लगो। पहले मैं क्या कर रहा हूँ वो मैंने बताया, अब आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ऑनलाइन टीचिंग ऑब्जर्वेशन का है, जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है, हम अपने टीचर्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन साइट, लर्निंग साइट, बच्चे की साइट पे चले जाएं। हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है जिसपे हम रेटिंग देते हैं टीचर को और टीचर की पेमेंट पे उस पर बनती है, पॉइंट नंबर 1 है टास्क मैनेजमेंट। टीचर ने क्लास स्टार्ट की है हमारी, इस आपकी जो ट्रेनिंग क्लास के इसके अंदर भी हमारे 4-5 ऑब्जर्वर मौजूद हैं और वो एक फॉर्मेट पे ऑब्जर्वेशन करते हैं, 1 to 10 रेट करते हैं। उसका पॉइंट नंबर 1 है टास्क मैनेजमेंट। स्टार्ट या प्रीएम्बल, एक टीचर क्लास स्टार्ट कैसे कर रहा है, एक टीचर स्टार्ट कितना अच्छा ले रहा है, इसके नंबर हैं बाकायदा। उसमें क्या क्या आता है आपने भी इस चीज पे गौर करना है कि बच्चे आपको ऑब्जर्व क्या कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चा देखता है कि क्लास में टीचर टाइम पे आया है या हमें ही सिर्फ तलकीन हो रही है, खुद वो टाइम पे आया ही नहीं है। लिंक मैनेजमेंट, क्लास का टाइम 5 मिनट गुजर गया, आपको लिंक ही नहीं मिल रहा, टीचर का काम है लिंक आप तक पहुंचाए, या एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है लिंक आप तक पहुंचाए। क्लास स्टार्ट टाइम 8 बजे का टाइम है तो 8:00 से पहले कम अज कम टीचर तो मौजूद हो। बच्चे ने, ऑब्जर्वर ने टीचर से सीखना है, उसने गलती निकालनी टीचर की, मैं आया बैठा टीचर आया ही नहीं, टीचर पहले आया हुआ होगा ना, कम अज कम ये पॉइंट निकल जाए। और ये चीज़ें टीचर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती भी हैं। इनिशियल एंगेजमेंट, आप आए हैं 5 मिनट आप हाँ जी हाँ जी करते रहे हैं, बच्चों को आप टाइम दे रहे हैं, आप खुद बात ही नहीं कर रहे, बच्चों को एंगेज ही नहीं कर रहे, तो ऐसे लग रहा है बच्चे आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट की बातें। उसके बाद पार्ट्स या टॉपिक असेंबली, मैंने सबसे पहले आपको कंटेंट लिस्ट दिखाई है, याद है, ताकि आपको पता हो कि हमने पढ़ना क्या क्या, पार्ट्स बताए हैं कि आज हमने क्या क्या चीजें करनी है। उसके बाद पिक्चर, पहली ही स्लाइड के ऊपर आपको एक पिक्चर नजर आई थी, उसमें भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि अच्छा ये क्वालिटी ये इस तरह, अच्छा इस तरह कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तस्वीरों से हम सिखाते हैं। उसके बाद लीड इन होता है किसी एरिया के अंदर लेके जाना, फॉलो करवाना किसी को भी, इधर चलते हैं। उसके बाद मैंने दोपहर को ही आपको एक टास्क दिया था कि जी पॉइंट्स निकालने क्वालिटी के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो मैंने लीड इन तो दोपहर का आपको दिया हुआ है कि मैंने आपको लेके किधर जाना है।
मेक देम फील इजी, बच्चों के ऊपर थानेदारी ना करें। अब आज जिस तरह आप बैठे हैं, ये बात आप भूल जाएं कि बच्चे इज्जत करें आपकी, आप टाइम पे ना आए फिर भी इज्जत करें, आप कुछ ना पढ़ाएं फिर भी इज्जत करें, आप सिर्फ फीस बटोरें फिर भी आपकी बच्चे इज्जत करें, ऐसे नहीं होगा। बच्चा एक तरह से आपका कस्टमर भी है, आप बच्चे को एक तरह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन के तौर पर भी उसकी फीलिंग को समझें कि बच्चा आपसे सेटिस्फाई हो भी रहा है या आप ऐसे ही दबा रहे हैं कि भी शिगिर्द नहीं कभी बोलता, आप तो बच्चे हैं, मुझे पता है टाइम पे आना है या नहीं आना। बच्चा आपका कस्टमर भी है, और जिस तरह आपको हम एक मार्केट में लेके जा रहे हैं, आपने बच्चे को कभी भी ये नहीं समझना कि बच्चा मेरा गुलाम है जी, मैं 7 बजे कहूँ वो 7 बजे आ जाए, मैं 6 बजे कहूँ वो 6 बजे आ जाए। हम तो एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल पे लेके जा रहे हैं बच्चे को, हम तो एक ऐसी वो ट्रेंड बना रहे हैं ना, बच्चा सब्जेक्ट लिखे, बच्चा लेवल लिखे, बच्चा टाइम स्लॉट लिखे, उस वक्त पढ़ाने के लिए हमारे पास बंदा मौजूद हो, हम तो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम टाइम पे ना आए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चनिंग आप करेंगे बच्चों से तो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे, और फीडबैक आप हर चीज़ के बाद पूछें, जिस तरह मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जी सब कुछ ठीक चल रहा है, ओके। ये जी टास्क मैनेजमेंट स्टार्ट की, उसके बाद नेक्स्ट है क्लास मैनेजमेंट, इंटरनेट स्ट्रेंथ, वॉइस या कन्वर्सेशन, माइक फिक्सेशन आपकी कैसी है, कैमरा फिक्सेशन आपकी कैसी है, इंटरनेट, ये क्वेश्चन आंसर इसके बाद अगली लाइन में आना था, इंटरनेट आपका कैसा है, इंटरनेट वो ऊपर स्ट्रेंथ था भी कहते चले रिपीटेड, इसको क्वेश्चन आंसर समझें। ये सारी चीज़ें आपने क्लास मैनेजमेंट क्लास के अंदर आपने देखनी, ये नहीं कि स्टार्ट में आए थे तकरीर शुरू हो गई एंड पे तकरीर ख़त्म हो गई, बच्चे अपने घर तुम अपने घर, पढ़ाया क्या है, बच्चों तक डिलीवर क्या किया, बच्चों को साथ लेके चलना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑनलाइन क्लास मैनेजमेंट फ्लो। आपको हमारे जो ऑब्जर्वर हैं ये भी नोट करते हैं, जिस तरह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अगर किसी को स्लाइड्स विजिबल नहीं है तो वो रिजॉइन कर लें, मेरी दूसरी स्लाइड पे सब कुछ एनिमेट भी कर रहा है, ठीक है, तो कोशिश करें रिजॉइन कर लें। प्रेजेंटेशन स्कीम या स्टाइल, आपको मैं आज ये भी बता दूंगा कि आपकी स्लाइड कैसी होनी चाहिए, क्लियर पिक्चर्स हों, फैड पिक्चर्स ना हो, फॉन्ट स्टाइल सिंपल हो, बोल्ड हो और रीडेबल हो, जिस तरह ये मेरी स्लाइड का आपको नजर आ रहा है, मोबाइल की स्क्रीन में भी नजर आ रहा होगा। स्क्रीन एज टू एज होनी चाहिए, ये नहीं कि दरमियान में डब्बा सा आपकी आ गया, इधर वाली साइड पे कुछ और नजर आ रहा है, इधर वाली साइड पे कोई एड्स आ रही हैं, आप वेबसाइट से पढ़ाई जा रहे हैं। मार्कर या पॉइंटर, ये हमारे पास इस तरह से है, ये यूज हो सकता है। उसके बाद है पेन टैब या मैथ के लिए या क्रिएटिव काम के लिए, और कलर परफेक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रेजेंटेशन का मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें क्लास टीचिंग मटेरियल। अब देखें ना, प्रेजेंटेशन आपने बनाई है जिसका ताल्लुक एस्थेटिक्स से है, अब उसके अंदर क्वालिटी क्या है चीज़ की, कंटेंट की क्वालिटी, यानी टीचिंग कंटेंट की क्वालिटी क्या है। मैं सेकंड ईयर से बात कर रहा हूँ और 5वीं क्लास का कंटेंट है, बड़ा अच्छा मैंने सजाया हुआ है, तो ये पिछला पॉइंट तो पूरा हो गया प्रेजेंटेशन का, लेकिन क्वालिटी जो कंटेंट की है वो मैं पूरी नहीं कर पाया। कोर्स क्लैरिटी होनी चाहिए आपको, ये नहीं कि आपको पता ही ना हो कि कौन आगे बैठा हुआ है और इसको मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लेवल को आप पहले जानते हो, एग्जाम पर्सपेक्टिव्स में आपने पढ़ाना है, ये नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ठीक है एग्जाम नू छोड़ो, हम पढ़ाई एग्जाम के लिए रहे, आप क्रिएटिव चीज़ें भी करवाएं लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव्स के अंदर, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ना निकलें। बच्चे तो चाह रहे होते हैं कि एग्जाम के अलावा भी कुछ पढ़ाया जाए, लेकिन आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से बाहर नहीं निकलना। उसके बाद है ईजी टू डिफिकल्ट, ये मैक्सिम्स भी हैं एजुकेशन के कि आपने पहले आसान चीज़ बतानी उसके बाद मुश्किल बतानी। कोहेरेंस टू द एब्स्ट्रैक्ट, जो आपने पहले इब्तदाइया दिया है, प्रियम्बल दिया है कि आज हमने बात इस पे करनी है, आप उससे आगे पीछे फिर रहे हैं, कोहेरेंस आपकी बात में होनी चाहिए। कंक्रीट, ये भी मैक्सिम है कि आप कहेंगे ये हार्ड है चीज़, कंक्रीट के बाद आप उसके माइंड में एक चीज़ बनाएं। फिर अगला मैक्सिम है लॉर टू हायर,
पहले छोटे लेवल की चीज बताएं, फिर बड़े लेवल की, फिर एग्जांपल बेस्ड चीजें हो। ये कंटेंट जो टीचिंग का है, कंटेंट लेवल जो है प्रेजेंटेशन के अंदर जो पुट किया हुआ, ये उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन। अब हम गुफ्तगू की बात करते हैं। गुफ्तगू कैसी, पढ़ने लिखने की बातें हो गई, पाजेज आपके आपने लेने, रिस्पॉन्सेज आपने लेने बच्चों से, आप लगातार बोली जा रहे हैं, आप किसी की नहीं सुन रहे, कोई आपकी नहीं सुन रहा, साफ बराबर। आप किसी की सुनेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। ये क्लास के अंदर की बातें कर रहा हूं मैं, यूट्यूब की बातें नहीं है। बच्चे को सेटिस्फाई करना है आपने, यूट्यूब की बातें पहले हिस्से में की है हमने, अब ये क्लास के अंदर की बातें। उसके बाद चैट एंड क्वेश्चन आंसर। अब अगर मेरे सामने आपकी चैट ओपन ना, मुझे क्या पता आप आपका दिमाग कहाँ पे है। मैं आपके दिमाग को एक्सेस कर रहा हूँ इस चैट बॉक्स से, क्योंकि मेरे तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं यहाँ से देख के आगे चलता हूँ। क्लियर स्पीकिंग, आपने अपने तई जो आपके पास स्पीकिंग पावर है, आपके पास जो स्पीकिंग स्किल है, उसको यूज कर दिया आपने बेहतरीन तरीके से बोलना। एक्टिव लिसनिंग, पढ़ाते पढ़ाते दरम्यान में कुछ आ गया तो ये नहीं कि बाद में ही सुनूंगा, हो सकता है वो आपके फायदे की बात हो और बच्चा कोई चीज किसी और तरह से समझना चाह रहा हो। फीडबैक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप आए हैं जी मैथ पढ़ाने के लिए और जाहिर है एक समझने समझाने वाला सब्जेक्ट है, आप बैठ गए हैं जी अपना व्हाइट बोर्ड को छोड़ के और आप भी अपने अय्याशी में लग गए और बच्चे भी अपने अय्याशी में लग गए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, वो बड़ा मैटर करती है। दो और दो चार, तो मैं दो और दो चार इस तरह भी तो बता सकता हूँ दूसरी क्लास के, पहली क्लास के बच्चे को इशारों से। फीडबैक, हर बात जो बच्चा कर रहा है उसको उसका फीडबैक दें, जो आपने बात की है उसका फीडबैक लें कि जी मुझे आपकी आपने जो बात की है मुझे समझ आ गई है, मैंने उसका जवाब भी दे दिया, क्या मेरे जवाब से आप मुतमिन हैं। उसके बाद है जी रिस्पेक्ट, जिसका फुकदान है, जिसकी कमी है, हम बच्चे को बच्चा इंसान ही नहीं समझते भाई, वो तो स्टूडेंट है, वो क्यों बोलेगा हमारे सामने, वो क्यों हम पे ऑब्जेक्ट करेगा। ये 2023 है, वो ऑब्जेक्ट करेगा क्योंकि उसे गूगल सही बता रहा है, आप गलत बता रहे हैं। रिस्पेक्ट दें बच्चे के ओपिनियन को तो बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। उसके बाद है जी कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप प्रेपरेशन करते हैं, जब आप चीज को खुद सीख के जाते हैं, तो कोशिश कीजिए कॉन्फिडेंस ओरिजिनल हो, धक्के वाला कॉन्फिडेंस ना हो कि मैंने बताया तो बस ठीक है सही है, जब मैंने बता दिया हो सकता है आप गलत हो सकता है गूगल सही हो, जहां से बच्चे ने देखा हो सकता है वो सही हो। क्लैरिटी, पहला था क्लियर स्पीकिंग, ये है क्लैरिटी। आपने जो पढ़ाया है, जो पूछा है, जो जवाब दिया है, हर चीज में क्लैरिटी हो। जो नहीं आता मैं कल बता दूंगा, लेकिन जो बताना है वो क्लियर बताना है, क्योंकि आपसे क्लियर बताने के लिए गूगल बैठा हुआ है, आपकी इज्जत उसके पास। प्लानिंग, पहले हमने टीचिंग की प्लानिंग की थी, अब क्लास के अंदर की चीजों की प्लानिंग है ना, ये ऑलमोस्ट वही चीज है, लेकिन ये विद इन द क्लास है, लेवल टू है, बच्चा आपको कैसे देख रहा है। पहले हम टीचर जो प्लानिंग करके आता था, हम उसकी बात कर रहे थे ना, प्लानिंग क्या की है। अब बच्चा आपकी प्लानिंग को असेस कैसे कर रहा है, आप बड़े अच्छे प्लानर हैं, मसला जब बनेगा तब पता चलेगा कितने अच्छे प्लानर हैं। क्या आपके पास प्लान बी और सी है, क्या आप उसको इम्प्लीमेंट करने की सेंस रखते हैं। बंदा कहे जी मेरे पास एक और स्लाइड थी पर मुझे पता नहीं वो कहाँ पड़ी है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एक्सक्लूजन, मैं आऊं और हाँ जी नमाज का टाइम हो गया जी 10 मिनट तक इंशाल्लाह इसको क्लोज करते हैं। सेल्फ एक्सक्लूजन, अपनी जात निकाल दें, आप प्रोफेशनल बातें करें,
अपनी कहानियां ना सुनाएं कि आज मेरे साथ है ये हो गया, बच्चों का टाइम है उनको दें, टू दी पॉइंट रहें, लीस्ट एक्सक्यूजेस। हर रोज 5 मिनट लेट हैं तो 5 मिनट लेट हो गए, अगले 5 मिनट लेट की रीजन बताने में लगा दिए। करते हैं ना टीचर ऐसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। बी योर ओन ऑब्जर्वर, आप भी देखें, अच्छा यार 8:05 हो गए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें ऑनलाइन टीचिंग स्टैंडर्ड जो है उसकी असेसमेंट के लिए यूज होती है। एंड आप पहुंच गए एंड पे, क्वेश्चन आंसर और फीडबैक सेशन होना है, असेसमेंट के लिए आपने कोई चीज उनको देनी है, आपने उनकी लर्निंग को असेस करना है, लर्निंग के जो पर्सपेक्टिव्स थे उनके अंदर रहते हुए एवरेज लेवल पे आपने उनको लेना। ये नहीं कि आप कहें कि मैंने आज ऐसे सवाल करने, मैंने उनको फंसाना है, एवरेज लेवल के क्वेश्चन करने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि जो चीज़ आपने करवाई नहीं है, जो बच्चों के लेवल की नहीं है, जो बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, या जो फिर उस लेवल पे बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है, आप वहाँ पे अड़ जाएं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्वेश्चंस हों, ये नहीं कि गलत है तो बस ठीक है तू बह जा, तू कभी भी अग्गे नहीं दस्या। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्वेश्चन रेज करें। अच्छा ये मैंने स्किप किया है, मैं एक 10-15 सेकंड दे देता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट योर ऑनलाइन क्लास हब के अंदर। तो यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि आपने यूट्यूब चैनल बनाना है, रेलिवेंट पेज बनाना है, रेलिवेंट ग्रुप्स में सोशल लिंक्स आपने शेयर करने हैं, क्वालिटी मार्क का इंट्रोडक्शन देना है अपना, सर्विस स्टैंडर्ड आपका उसका लिंक मौजूद हो, ये हम आपको हब के अंदर बताएंगे, लिहाजा इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर। एडमिशन स्ट्रेटजी, हम एडमिशन कैंप चूँकि बना रहे हैं हब, लॉयलिटी टू द टीम, आप अगर कोई ग्रुप बनाते हैं तो एक दूसरे के लिए एडमिशन के लिए कोशिश करें, प्रोफेशनल बिहेवियर रखें, एकेडमी के मॉडल को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं जो हमारा मॉडल है, जिस तरह हम बच्चों को एडमिशन के लिए लेके आते हैं, फोकस ऑन द क्वालिटी, क्वालिटी से नीचे कुछ ना जाए, क्वालिटी कभी भी कंप्रोमाइज ना हो, अदरवाइज एक बार बच्चा आया ना वो किसी को जाके सही नहीं बताएगा, वो कहेगा ये कोई पल्ले नहीं कोई चीज़ इनके। और कमिटमेंट शो करें, ये नहीं कि अच्छा चलो 1500 रुपया लगा दिया, चलो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कोई बच्चा आता है ठीक, नहीं तो ना सही, कमिटमेंट के साथ चलें, ये बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कीजिए, आपके दोनों लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं, 5-4 मिनट में मैंने आपको अपना ये सारा स्टूडियो दिखाना है और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर होने हैं, और आज का जो हमने हमारा सेशन प्लान था वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? लोग कह रहे हैं जी कि ऑल क्लियर, चलें बहुत शुक्रिया अगर सब कुछ क्लियर है, अब वो वाला क्लियर ना हो कि कुछ खाते ही नहीं पड़ा, वो भी एक क्लियर होता है। ओके शुक्रिया। नेक्स्ट है जी, जो मैंने अपना ये सेटअप बनाया है ऑनलाइन क्लास स्टूडियो सेटअप, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले दो चीज़ें मैं बता दूँ, एक तो ये बहुत महंगा नहीं है, यानी कि एक एवरेज लेवल की चीज़ें, बहुत सस्ती चीज़ें भी नहीं मैंने यूज़ की, थोड़ी क्वालिटी की हैं लेकिन बहुत जो है हाई फाई चीज़ें नहीं हैं, ये नॉर्मल बाजार से मिलने वाली चीज़ें। अच्छा ये पिक्चर्स मैं दिखाऊंगा और पिक्चर्स को साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरा ख्याल है कि हम जो हमारा पर्पस है वो मीट हो जाएगा इससे। अच्छा ये पिक्चर है, इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखिए, मैं जैसे ये बहुत छोटा सा एक रूम है, यानी ये समझ लें कि 7-8-9 फुट ये विड्थ है इसकी, और कोई 10 फुट जो है ये लंबाई, एक साइड रूम है, ये बहुत बड़ा रूम नहीं है, पहले ये सोच, बहुत छोटा सा एक सिंपल सा रूम है, एक लाइट ऊपर ये लगी हुई है, दूसरी लाइट ये है, और एक लाइट ये नीचे है ये वाली। इसको मैं बताता हूं कि ये रिंग फिल लाइट है और ये कैसे वर्क करती है। ये आप डोर से एंटर हो तो आपको इस तरह नजर आता है, नेक्स्ट
एक ये फार व्यू है, करीब आके एक और पिक्चर लेते हैं तो वह कैसी आती है, इस तरह की। इसमें देखिए ये जो रिंग फिर लाइट है ना, ये वाली, ये नंबर 3 लाइट है, ये इस तरह का एक रिंग है, इसके अंदर लाइट इस तरह बंदे के ऊपर पड़ती है, और ये मोबाइल है, ये इसके दरमियान में होता है, और ये रिंग फिर लाइट कोई आपको 1500-2000 में मिल जाएगी, और स्टैंड आपको 1000-1500 में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं। ये है रिंग फिर लाइट, थोड़ा मजीद मैंने क्लियर कर दिया कि ये है इस तरह से, ये एक सर्कल में होती है। ये स्पॉटेड रिंग फिल लाइट, 3 लाइट्स हो गई, एक इधर लगी हुई है, एक इधर है, और एक ये जिसके अंदर मोबाइल है। नेक्स्ट है मेरे पास राइट साइड पे, इस साइड से ये जो लाइट है, ये लाइट मुझे इस तरह से फोकस कर रही है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई है, इससे क्या होगा, सारी लाइट्स का मैं आपको एक्सपोजर बताता हूं। ये है राइट लाइट जो उस तरफ से राइट है, आप कैमरे की तरफ से देखें तो मेरे तो ये लेफ्ट है, लेकिन कैमरे की तरफ से ये राइट है। ये है मेन लाइट, ये मेरे सामने, ये नंबर 4th लाइट है, सबसे बड़ी लाइट ये है, इस वक्त बंद नहीं है, जब पिक्चर बनाई थी उस वक्त बंद की हुई थी। अब होता ये है कि ये वाली लाइट जो है ये सीधा मेरे फेस पे आती है, और बहुत हार्ड लाइट है, मेरा पीछे साया बनेगा पिछली साइड, ठीक है, और ये जो राइट वाली है उस साये को थोड़ा सा रिमूव करेगी और ये अपना साया इधर बनाएगी, ये वाली लाइट जो है इस साये को रिमूव करेगी और अपना साया हल्का सा इधर बनाएगी, हल्के हल्के साये मौजूद रहेंगे लेकिन हार्ड शेड खत्म हो जाएगा। ये जो रिंग फिल लाइट है, मेरी आंखों के अंदर साया खत्म हो चुका होगा, ये उंगलियों के अंदर साया नहीं आएगा, क्योंकि रिंग फिल लाइट यही काम कर रही है। ये 4 लाइट्स हैं, मेन लाइट आपके हेड से कोई 2 फुट ऊंची होनी चाहिए और मैक्सिमम 10 फुट दूर होनी चाहिए, राइट साइड वाली आपसे कोई 5 से 7 फुट दूर होनी चाहिए, और यहाँ पे आपके कोई 45 से ऊपर होनी चाहिए, और ये चूंकि दीवार नज़दीक थी तो आपको लग रहा बहुत ऊंची है, अगर इतना ही फासला यहाँ पे होता है कोई, ये भी 60 के करीब एंगल बनता है। ये जो रिंग फिल लाइट है ये बिल्कुल मेरे फेस के सामने होनी चाहिए, ये दायरा है, सारी साइडों पे मुझे लाइट दे रहा, बहुत लाइट सी लाइट है, ये हल्की लाइट है, ये सबसे हार्ड लाइट है वो जो सामने है। तो ये है जी टोटल सेटअप जो मैंने आपको दिखाया। इसके अंदर ये है कि आपको कोई ये टेबल नजर आ रहा होगा, लैपटॉप है, ये बाकी चीजें मैंने कोई हैंड्स फ्री और ये माइक वगैरह आपको दिखा दी है। ये सेटिंग जो है, ये पीछे जो पर्दा लगा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था कि मैं इसको रिमूव नहीं कर रहा, कोई बैकग्राउंड नहीं लगा रहा, हालांकि लगा सकता हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह सारे लोग लगाएं। अगर आप एवरेज लेवल का अपना अच्छे रिजल्ट वाला स्टूडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 3 एनर्जी सेवर चाहिए। एक ले लें वो 50 वाट का सामने वाला, 30-30 के साइडों पे लगा लें, रिंग फिर लाइट ले लें, उसके अंदर कैमरा स्टैंड भी होगा, 2 5-500 वाले माइक ले लें अच्छे चेक करके, लैपटॉप मोबाइल आपके पास है, आप दुनिया के किसी भी टीचिंग स्टूडियो का मुकाबला कर सकते हैं। ये वॉलपेपर लगा अपना आप पीछे लाइब्रेरी बनाएं, जो मर्जी बनाएं, ठीक है। तो ये है, ये टेबल चेयर निकाल दें तो बाकी मेरा ख्याल है कोई मैक्सिमम कोई 6000 खर्चा है, इससे ज़्यादा नहीं। स्टैंड, रिंग फिल लाइट, ये वाली लाइट्स, और ये पर्दा जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, क्रोमा, ये मैक्सिमम 6000 का खर्चा आपका। अगर आप अभी नहीं कर सकते ये सारा कुछ, 2 बल्ब लगा लें, एक इधर और एक इधर, मोबाइल को कहीं फिक्स कर लें, पीछे कोई भी सॉलिड कलर का कपड़ा लगा लें, जिस कलर के कपड़े आप पहनते नहीं हैं, काम चल जाएगा। थोड़ी सी अर्निंग होती है तो इन चीज़ों को परफेक्शन की तरफ लेके जाएं। जितना आपका सेटअप परफेक्ट होगा उतना ही बच्चा आपसे इम्प्रेस होगा, उतना ही
व्यूअर आपसे इम्प्रेस होगा। मेरी तरफ से जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। मैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको कि हमने लेवल वन पढ़ा है कि मुझे यानी टीचर को कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। लेवल टू है कि बच्चा हमको जज कैसे करता है। नंबर तीन पे हमने अपने इस सेटअप के ऊपर थोड़ी सी बात की है। आपकी जो असाइनमेंट कल की है वो कुछ देर में आपको डिलीवर हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर किसी का हो तो वो ज़रूर कीजिए। बाकी आप लोगों ने मेरी बड़ी इधर तारीफ़ की है, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हैं बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मेरी तरफ से इसमें कोई कमी कोताही या कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि क्वालिटी के लिए जो कुछ इस साइड से ज़रूरी है या फिर उस साइड से देखा जाता है, हम उस हर चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएँ। और चूंकि ये क्वालिटी की क्लास थी तो मुझे ये सारी चीज़ें दिखाना ज़रूरी थी, लिहाजा मैंने वो भी आपके लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ था। मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी। थैंक यू। अच्छा, आज की रिकॉर्डिंग का ये है कि मैं चूँकि ऑफिस नहीं जा रहा, मैं कोशिश करता हूँ कि कॉल करके इसको मैं बनवा देता हूँ। अदरवाइज़ लास्ट सेशन जो है वो आपको अभी मिल जाएगा। उसमें सिर्फ ये स्टूडियो सेटअप नहीं होगा, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें यही होंगी। कोशिश मैं करता हूँ आपको लेक्चर बनवा देते हैं आज ही, नहीं तो कल इंशाल्लाह आपको लाजमी मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया जी आपके कमेंट्स का, आपकी दी हुई इज़्ज़त का। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। तो हम अल्लाह के सुपुर्द करते हैं जी, अल्लाह ताला हमें अपने मकासद में कामयाब करें। जो लोग लीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं मौजूद हूँ क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, बाकी टीम भी हमारी मौजूद है। जी, किसी पार्टिसिपेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है चैट में। उम्मीद है आप सबको आज का सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव था, सर ने बहुत अच्छे से हर चीज एक्सप्लेन की है। तो ये कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें भी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ये सेटअप करना पड़ेगा, तो उनके लिए यही है कि आप अपनी ईज पे जितना मैनेज कर सकते हैं मैक्सिमम उसको मैनेज करने की कोशिश करें। माइक्स अलाउड है इन लोगों के? किसी ने कहा कि मेरा माइक अलाउ कर दें, इनका मैसेज आया हो? नहीं सर, माइक अलाउ तो नहीं है, हम करेंगे तो होंगे। किसी का मैसेज आया हुआ है कि मुझे माइक अलाउ करें, पहले कर दें उनको कुछ। सफिया खान जी, सर मैं कर देती हूँ। अच्छा, जो हैंड रेस करें उनको हम माइक अलाउ कर देते हैं। हैंड रेस कर दें जी, इसको माइक की जरूरत है जी। जी सफिया खान, आपको माइक अलाउ कर दिया गया है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात कर सकती हैं। किसी ने कहा कि एज टू एज स्क्रीन को जरा एक्सप्लेन कर दें। एज टू एज स्क्रीन ये होती है कि आपके सामने आपको यहां से लेके यहां तक सिर्फ कंटेंट नजर आ रहा है। कुछ स्क्रीन ऐसी होती हैं, कुछ स्लाइड्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि दरमियान में बॉक्स नज़र आ रहा है, इधर कुछ और नज़र आ रहा है, इधर कुछ और नज़र आ रहा है। आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो सिर्फ डिलीवर होने वाला कंटेंट हो, इसके अलावा कुछ ना हो। इसका मतलब ये है कि आप जो स्लाइड बना रहे हैं, जो स्लाइड शो आप चला रहे हैं या जो चीज़ आप शेयर कर रहे हैं वो एज टू एज डिलीवर होने वाली चीज़ हो, स्क्रीन आपकी एज टू एज हो। ये नहीं कि भी वो इस साइड पे कोई और इरेलीवेंट चीज़ हो, इस साइड पे कोई रेलीवेंट चीज़ और हो, दरमियान में जी कहें आप इतना सारा रेलीवेंट है बस, इस तरह नहीं। ठीक है जी, बाकी लोगों को हम ग्रुप में भी बता देंगे, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कीजिए।